इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यूनिट 3 चैप्टर 23 राइट योर ओन पोएम। ये एक एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है जो पेज नंबर 59 में दिया गया है। इस चैप्टर में कुछ एंकरेजमेंट और मोटिवेशन है दिया गया है कि किस तरह अपनी पोयम आप खुद से तैयार करें। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि कैसे अपनी पोयम रेडी करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, राइट सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसका एक सेट तैयार कर लीजिए। मेक सेंटेंस और मीनिंगफुल फ्रेजेस इन विच द राइमिंग वर्ड्स अपियर एट द एंड। तो ऐसे सेंटेंस बनाइए और वो भी मीनिंगफुल, जिसमें जो राइमिंग वर्ड्स है, जो फ्रेज में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वो पोएम के एंड में आए। अरेंज द सेंटेंस और फ्रेजेस इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तो उन जो सेंटेंसेस को ऐसे और जो फ्रेजेस हैं उसको पोएम के फॉर्म में लिखिए, अरेंज करें। थिंक ऑफ समथिंग दैट यू Like this very much. Describe it in as much detail as you can, stressing the part you like best. तो ऐसी चीज सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, उसको describe करें detail में और उस part को stretch करें जो आपको best लगता है. Make use the use of situable adjectives, adverbs or comparisons. तो एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स और कंपेरिजन्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। अरेंज द लाइन्स वन बिलो द अदर इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तो उन लाइन्स को एक के ऊपर एक के बाद एक ऐसे अरेंज करें कि वो पोएम के फॉर्म में उसको अरेंज कर दे। फिर है ऑब्जर्व थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स केयरफुली। अपने जो आसपास है वह ऑब्जर्व थिंग्स को ऑब्जर्व करें ध्यानपूर्वक। राइट शॉर्ट बट गुड डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट यू सी हियर स्मेल फील एक्सेट्रा। तो उन पे शॉर्ट कुछ लिखिए डिस्क्रिप्शन, जैसे आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या सूंघा, क्या फील किया। अरेंज योर ऑब्जर्वेशंस इन शॉर्ट लाइन्स, राइट वन बिलो द अदर इन द फॉर्म ऑफ पोएम। तो इन सब जो ऑब्जर्वेशन को पोएम के फॉर्म में अरेंज करें। फिर है हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हैप्पी और वेरी एंग्री और वेरी सैड। तो आपका जब आप बहुत खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं या सैड होते हैं तो क्या फील करते हैं। व्हाट डू यू से टू योरसेल्फ ऑन दिस ओकेजन्स। ऐसे चीज़ों पे आप क्या कहते हैं। ट्राई टू राइट इट डाउन एंड अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ पोएम। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको पोएम में पिरोना है। जैसे राइमिंग वर्ड्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने आसपास क्या देखते हैं वो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिखिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए और सेंटेंसेस ऐसे अरेंज कीजिए कि जैसे वो एक पोएम के फॉर्म में बन सके। तो ये था कैसे हम अपनी पोएम लिख सके। तो आप सब बच्चे अपने घर में ये सब ट्राई कीजिए एक पोएम लिखने का, ठीक है। थैंक यू।